हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो आप में से काफ़ी लोगों को पहले ही मालूम हो गया होगा, बट जिनको नहीं पता है, तो एसएससी ने नया कैलेंडर जारी किया है, रिजल्ट से रिलेटेड भी और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी। तो देखते हैं क्या इन्होंने इसमें रचा है। कुछ अच्छा तो रचा नहीं है, जैसे कि एज़ यूजल। खैर, देख लेते हैं। तो फिलहाल इन्होंने बताया है कि CHSL का जो फाइनल रिजल्ट है वो 30 सितंबर को आ जाएगा। ये एक अच्छी खबर है, ये अच्छी बात थी। हमें भी लगा था कि अच्छी बात है कि थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे रहे हैं। फिर कहा कि CHSL टीयर 2 का जो रिजल्ट है आपका, CHSL 2019 का, उसका रिजल्ट भी ये 30 सितंबर को ही देंगे। ठीक है, ये काफ़ी लेट ही है। इसके बाद में CPO का जो रिजल्ट है, PET यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है, वो भी 30 सितंबर को ये दे देंगे। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का फाइनल रिजल्ट भी 31/10 यानी कि 31 अक्टूबर को दे देंगे। इसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो फाइनल रिजल्ट है वो भी 31 अक्टूबर को दे देंगे। ठीक है, इसके बाद में कंबाइंड यानी CHSL का, CHSL 2020 का जो अभी पेपर हमारा पिछले महीने ख़त्म हुआ है, उसका टीयर 1 का रिजल्ट ये 30 नवंबर को देंगे। तो भाई साहब, जो पेपर होता है आपका अगस्त मान लेते हैं, क्योंकि सितंबर मतलब काफ़ी पहले अप्रैल छोड़ देते हैं, अगस्त मान लेते हैं, तो सितंबर इनको रिजल्ट बनाने में लगेगा, अक्टूबर रिजल्ट बनाने में लगेगा और पूरा नवंबर भी रिजल्ट बनाने में लगेगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कौन सा रिजल्ट बना रहे, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है, आपको कुछ भी नहीं करना। आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, तो जैसे ही आप पेपर ख़त्म करते हो ऑटोमेटिक आपका स्कोर आ जाना है, और वो स्कोर आप मैनुअल कोई काम नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर से सारा कुछ आपका रिजल्ट बन के तैयार हो सकता है 15 दिन में। मैक्सिमम 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन उस काम में SSC को 90 दिन लगेंगे। ठीक, उसके बाद जूनियर आपका JEE का पेपर जो है, उसका पेपर 2 का रिजल्ट 30 नवंबर को देंगे, और CGL का जो पेपर अभी अगस्त में हुआ है उसमें 90 नहीं, उसमें इनको लगेंगे 120 दिन। तो इससे हमें यह साफ दिखता है कि इनकी नीयत ही नहीं है। ये नीयत का फ़र्क है, इसमें कोई भी और कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ नीयत की बात है। ना स्टाफ का कोई रोल है, क्योंकि मैंने जैसा कहा ये ऑटोमेटिक सारा काम कंप्यूटर है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड सारा काम है, तो इसमें मैनुअल कोई वर्क नहीं है। कि अगर वो कई बार इस बात का हवाला देते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉई कम है, तो एम्प्लॉई कम है तो भाई पहले रिक्रूटमेंट कर लो, नहीं रिक्रूटमेंट हो रहा है तो फिर भी कोई काम ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते थे ये। तो 31 दिसंबर को यानी न्यू ईयर पे, जब आप न्यू ईयर ईव होगा उस दिन आपको ये रिजल्ट देंगे CGL टीयर 1 का। अब और उसके बाद में इन्होंने टीयर 2 की डेट भी नहीं दी है, अभी टीयर 2 की डेट नहीं दी है। जो इन्होंने एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला है उसमें CHSL 2019 का स्किल टेस्ट की डेट दी है, जो कि 3 नवंबर को होगा। CPO के पेपर 2 की डेट दी है, जो कि 8 नवंबर को होगा। हाँ, एक अच्छी बात खाली हुई है, ये पेपर जो कि ये लगभग भूल ही चुके थे कि कब लेंगे, उसके बारे में इन्होंने बात करी है स्टेनोग्राफर की। बहुत लंबे समय से ये पेपर डिले करते चले आ रहे हैं, मतलब लगभग पिछले साल से ही डिले हो रहा है ये। तो ये 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक होगा। तो आज की नोटिस में एक अच्छी बात है, वो स्टेनोग्राफर के एस्पेरेंट्स के लिए है, कि 11 नवंबर से 15 नवंबर तक स्टेनो का पेपर हो जाएगा। ये बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि नवंबर में वो पेपर लेंगे, उसके कम से कम 6 महीने बाद रिजल्ट देने वाले हैं ये। GD का जो पेपर होगा वो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होगा। अब इसमें इन्होंने कहीं पर भी CGL का जो टीयर 2 होगा उसकी कहीं बात नहीं करी है। अरे भाई, अगर आप 31 दिसंबर को रिजल्ट दोगे तो टीयर 2 लोगे ना कभी ना कभी, तो उसका भी डेट दे देते कम से कम, क्या दिक्कत थी। नहीं, लेकिन हमको सिर्फ 2021 तक की बात करनी है। अब इसमें जो है वो पूरी तरीके से नियत का फ़र्क है। अब मैं बताऊँ कि ऐसा शायद ये क्यों कर रहे होंगे, इतना डिले क्यों कर रहे हैं, उसका कारण शायद ये है कि CGL 2021 जो है उसकी कहीं बात नहीं है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि CGL 2021 तो अभी नहीं हो रहा है। अब इनकी जो नियत वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि CET जो है वो अर्ली 2022 में होगा, तो शायद ही ऐसा सोच रहे हैं कि जब CET करा ले तभी हम CGL कराएं, जिससे कि हम एटलीस्ट टीयर 1 से बच जाएं। बाकी कोई इसमें और कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही, तो काफ़ी ख़राब हालत है, अब मैं क्या ही कहूँ इसमें, ठीक है। बट जो है सो है, हमें विल हैव टू बियर विद इट। आपने ट्विटर कैंपेन भी किया था, ट्विटर कैंपेन में ऐसा लग रहा है बदला ले लिया है, ट्विटर कैंपेन ज़्यादा करा है इसलिए,
तो खैर अगर आप पॉलिटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 सितंबर से 14 सितंबर तक ये मेरा बैच चल रहा है, दोपहर 2 बजे इसमें क्लास होगी और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ करके। इसके अलावा रीजनिंग का मेरा डिटेल्ड कोर्स है 6 सितंबर से आपका 22 सितंबर तक ये बैच हमारा चलेगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी क्लास हमारी होती है 4 बजे, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पैरा जंबल्स का डिटेल्ड कोर्स हमारा पैरा जंबल्स का है, 10 सितंबर से 15 सितंबर तक ये बैच चलेगा, सुबह 9:30 बजे इसमें हमारी क्लासेस होंगी, तो पैरा जंबल्स की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्ड कोर्स ऑन फिजिक्स, फिजिक्स का हमारा डिटेल्ड कोर्स है जो कि हमारा 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चलेगा, आपका 9:30 बजे इसमें भी हमारी क्लास होंगी, ठीक है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट का कोर्स है हमारा, ये आपका 16 सितंबर से शुरू होगा और 9:30 बजे इसमें हमारी क्लासेस होंगी सुबह, तो इसमें आप क्लोज टेस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे कोर्सेज हैं जो कि अनअकैडमी पर हमारे शुरू हो रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर 8 तारीख को एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आने वाला है, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।